गुड मॉर्निंग एवरीवन. बेटा हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ था इंटरनल ट्रेड का. इंटरनल ट्रेड में हमने क्या क्या किया था, फिक्स शॉप्स और इटेरेंट. फिक्स शॉप से मैंने आपको बताया था फिक्स शॉप रिटेलर्स, जिसमें आपके फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर्स हम डिस्कस कर चुके थे. नाउ अगर किसी को अब तक के कोई टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी और इधर यू कैन रेफर टू माई प्रीवियस वीडियोज. ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिक्स शॉप लार्ज रिटेलर्स. फिक्स शॉप तो है लेकिन वो बड़े लेवल पे डील कर रहे हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं आज, फिक्स शॉप लार्ज रिटेलर्स. अब इसमें देखिए, जिसमें सबसे पहले जो हमारा आता है दैट इज योर डिपार्टमेंटल स्टोर्स. अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं, इट इज अ लार्ज रिटेल स्टोर ऑफरिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्लासिफाइड इन टू अ वेल डिफाइंड डिपार्टमेंट अंडर वन रूफ, और इट हैज अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर टॉयलेटरीज, मेडिसिन, ग्रॉसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोदिंग, ड्रेस मटीरियल विद इन अ स्टोर एक्सेट्रा. ठीक है, मतलब एक ही, यू आर गेटिंग एवरीथिंग अंडर वन रूफ, जिसमें उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, अलग अलग कैटेगरी सॉर्ट आउट की हुई है कि दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ ग्रॉसरीज, दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ टॉयलेटरीज, दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, ऐसे ऐसे करके उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, डिपार्टमेंटलाइजेशन किया हुआ है. ओके, तो दैट इज योर डिपार्टमेंटल स्टोर. अब जैसे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, इन्होंने स्पेंसर्स है, एल्केबली है. डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज एंड फैसिलिटीज सच एज रेस्ट रूम्स होते हैं, टेलीफोन बूथ्स होते हैं, फ्री होम डिलीवरीज होती हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ट्रेवल है, इन्फॉर्मेशन, ब्यूरो पार्किंग, बहुत सारी चीजें, इन्फॉर्मेशन आप मैसेज फैसिलिटीज आपको मिलेंगी यहाँ पर. दे आर सेंट्रली लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ सिटी एंड दे कैटर टू अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स. यूजली जो ये बनाए जाते हैं, दे आर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सिटी एंड मतलब ये लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को कैटर करते हैं. अ डिपार्टमेंटल स्टोर परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड देयरफॉर इट एलिमिनेट्स मिडल मैन. इसीलिए क्या है, ये मिडल मैन को बीच में से खत्म कर देते हैं. बीच में मिडल मैन कौन हुए, आपके होलसेलर और रिटेलर, मतलब ये रिटेलर ही बन जाते हैं डायरेक्ट. बीच में होलसेलर को खत्म कर देते हैं जो आपका मिडल मैन बना होता है. ठीक है, तो मतलब यहाँ पर डायरेक्टली ये लोग मैन्युफैक्चरर से उठाएंगे और कस्टमर तक पहुंचाएंगे. इन डिपार्टमेंटल स्टोर द परचेज आर मेड सेंट्रली बाय द परचेज डिपार्टमेंट, वेयर एज द सेल ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर डिसेंट्रलाइज. परचेज जो होती है वो सेंट्रलाइज है, इकट्ठा बल्क ऑर्डर किया जाएगा. ठीक है, लेकिन जो आपकी सेल होती है वो डिसेंट्रलाइज होती है. मतलब क्या है कि हर कोई, हर डिपार्टमेंट अपना अपना सामान सेल कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग उनकी इवैल्यूएशन जो किया जाएगा, जो एनालिसिस किया जाएगा वो उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा. एज द साइज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो बहुत बड़ा होता है, दे आर जनरली फॉर्म्ड एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ओके, देयर इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर असिस्टेड बाय जनरल मैनेजर एंड सेवरल डिपार्टमेंटल मैनेजर्स. ठीक है, लाइक अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब प्रॉपर इनका फॉर्मेशन होता है, मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. जैसे किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट हमारा सिस्टम यहाँ रहता है, और ऐसे ही अलग अलग लेवल्स के मैनेजर्स यहाँ पे बनाए जाते हैं. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर डिपार्टमेंटल स्टोर्स. नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑन विद द नेक्स्ट, दैट इज योर चेन स्टोर और मल्टीपल स्टोर्स. ये तो हमने बहुत बार पढ़े हुए हैं, हमारे सोनीपत में भी है, बिग बाजार है, रिलायंस फ्रेश है, इन सबके चेन स्टोर्स हैं. चेन मतलब इनकी पूरी चेन बनी हुई है ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड वाइड की हर जगह पे आपको ये मिल जाएंगी. ठीक है, अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग. तो जैसे मैकडॉनल्ड्स है, वो वर्ल्ड वाइड उनकी चेन है, हर जगह पे आपको मिलेगा. तो अब हम पढ़ रहे हैं चेन स्टोर्स. चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स आर द नेटवर्क ऑफ रिटेल शॉप्स एस्टैब्लिश्ड इन लोकेलिटीज स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज. दीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय सेम ऑर्गेनाइजेशन एंड हैविंग आइडेंटिकल मार्केटाइजिंग स्ट्रेटजीज विद आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एंड डिस्प्ले. मतलब अगर आप कहीं पे भी चले जाओ, बिग बाजार के किसी भी आउटलेट में चले जाओ, मैकडॉनल्ड्स के किसी भी आउटलेट में चले जाओ, यू विल फाइंड एवरीथिंग सेम. जो हमारे यहाँ पर है वही सेम चीज मिलेगी. मतलब अगर आप दिल्ली के मैकडॉनल्ड्स में जाओ या आप मुंबई के मैकडॉनल्ड्स में जाओ, आपको मतलब उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो डिस्प्ले ऑफ थिंग्स है, मतलब यू विल फाइंड एवरीथिंग ऑलमोस्ट सेम. हर चीज सेम मिलेगी बिकॉज दे आर चेन स्टोर्स, दे आर मेंटेनिंग चेन्स. तो चेन में जितने भी पार्ट्स अटैच्ड है वो सब सेम है, सिमिलर है.
ओके, दीज रिटेल शॉप्स नॉर्मली डील इन स्टैंडर्डाइज एंड ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं विच हैव रैपिड सेल्स टर्नओवर है, जिनका बहुत ज्यादा, एग्जाम्पल लाइक योर नेरुलाज है, मैकडोनल्ड्स है, बाटा शू स्टोर है, रिलायंस फ्रेश है, रेमंड्स है, डीसीएम है, जिनके अलग से अपने स्टोर्स बने हुए, आउटलेट्स बने हुए हैं. ओके, अब फीचर्स क्या होते हैं. मल्टीपल शॉप्स आर लोकेटेड इन फेयरली पॉपुलस लोकेलिटीज पे बने हुए हैं, वेयर एज सफिशियंट नंबर ऑफ कस्टमर्स कैन बी अप्रोच्ड, जहां पे आप सफिशियंट नंबर ऑफ कस्टमर्स को अप्रोच इजिली कर सकते हो. मतलब यूजली दे आर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सिटी. ओके, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ मर्केंडाइज इज सेंट्रलाइज एट द हेड ऑफिस. मतलब मैन्युफैक्चरिंग या प्रोक्योरमेंट ऑफ मर्केंडाइज मीन्स स्टॉक, उसका जो होता है कंट्रोल या प्रोक्योरमेंट वो सेंट्रलाइज होता है हेड ऑफिस से, फ्रॉम वेयर द गुड्स आर ट्रांसफर टू ऑल द ब्रांचेस एज पर देयर रिक्वायरमेंट. जहां से हेड ऑफिस से सारी की सारी गुड्स जो है वो अलग अलग ब्रांचेस में, जहां अलग अलग चेन स्टोर्स बने हुए हैं, वहां तक वो गुड्स डिलीवर कराई जाती है इन्हीं के हेड ऑफिस से. ईच रिटेल शॉप इज अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रांच मैनेजर. ओके, हर उसमें जितनी भी रिटेल आउटलेट्स बने हुए हैं, हर उसमें एक ब्रांच मैनेजर आपको मिलेगा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डे टू डे मैनेजमेंट. ही हैज टू सेंड डेली रिपोर्ट भेजनी होती है हेड ऑफिस में रिगार्डिंग सेल्स, कैश डिपॉजिट, स्टॉक रिक्वायरमेंट, ये सारी डेली की सेल्स भेजनी होती है. ऑल द स्टोर्स आर कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफिस विच इज कंसर्न्ड विद फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज एंड गेटिंग देम इम्प्लीमेंटेड. जितनी भी स्टोर्स हैं वो सारे के सारे जो अल्टीमेट कंट्रोल रहता है वो हेड ऑफिस के पास है, विच इज कंसर्न्ड विद फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी, सारी पॉलिसी फ्रेमवर्क भी वहीं पे होता है आपका, एंड गेटिंग देम इम्प्लीमेंटेशन का पूरा चेक, पूरा कंट्रोल, रेगुलेशन सब कुछ वही आपका हेड ऑफिस से होता है. हर चीज मतलब सेंट्रलाइज है, कंट्रोल्ड है इनकी. ओके, द प्राइस चार्ज फॉर गुड्स सोल्ड इन चेन स्टोर्स आर सेम एवरीवेयर. जो प्राइस भी ये चार्ज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अगर सोनीपत के आउटलेट में जाओगे तो प्राइस अलग मिलेगा, दिल्ली के आउटलेट में जाओगे तो प्राइस अलग मिलेगा. डिस्काउंट्स वगैरह जो भी चलते हैं वो थ्रू आउट ऑल ओवर इंडिया इनके सेम ही चलेंगे. ओके, एंड गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश एंड कैरी बेसिस पे होती है. द एन इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफिस टू मेक डे टू डे सुपरविजन ऑफ द शॉप्स के डे टू डे सुपरविजन किया जाता है. एक इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है जो चेक करता है रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस प्रोवाइडेड, एडहेरेंस टू पॉलिसीज ऑफ हेड ऑफिस, की पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कस्टमर को किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फाई होकर जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये सारी चीजें वो इंस्पेक्टर चेक रखता रहता है इनका. और उसके बाद चेन स्टोर्स हैव द सेम डेकोरेशन, लेआउट, डिस्प्ले एक्सेट्रा. मतलब इनको हर जगह पे आपकी डेकोरेशन, लेआउट सब कुछ आपको सेम मिलेगा. चेन स्टोर स्पेशलाइज इन वन लाइन ऑफ बिजनेस ओनली. दे स्पेशलाइज ओनली इन वन लाइन ऑफ बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल लाइक बाटा शॉप्स हैं, सेल फुटवेयर एंड अदर रिलेटेड आइटम्स लाइक बूट पॉलिश, सॉक्स एक्सेट्रा, जहां पे आपको हर चीज सेम मिलेगी. मैकडोनल्ड्स है तो हर टाइम सेम ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मैकडोनल्ड्स आपके स्टेशनरी में डील करने लग जाएगा. मैकडोनल्ड्स अगर बर्गर्स और ये ईटेबल्स में डील कर रहा है तो वो वही प्रोवाइड कर रहा है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड द डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स. इनमें डिफरेंस क्या होता है. सो नंबर वन इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज सेंट्रली लोकेटेड टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स. यूजली जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स बने होते हैं वो सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, इन द मिड ऑफ द सिटी, इन द सेंटर ऑफ द सिटी, टू यू नो अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स. बट जो आपके मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स होती है ना, दे आर एस्टैब्लिश इन डिफरेंट लोकेशंस टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स. ये अलग अलग लोकेशंस में, जैसे आपका बाटा स्टोर है तो एक बाटा स्टोर नहीं होगा, सोनीपत में भी दो तीन है, लिबर्टी है, वो दो तीन मिलेंगे आपको. आपका मैकडोनल्ड्स है, चलो सोनीपत में तो इट्स अ स्मॉल सिटी तो कंपैरेटिवली एक ही बना है, बट आप अगर दिल्ली में जाओगे तो मैकडोनल्ड्स आपको हर एरिया में मिलेगा. मतलब हर एक पर्टिकुलर उसमें आपको मिलेगा मैकडोनल्ड्स, एक या दो मैकडोनल्ड्स नहीं होंगे अगर हम पूरी दिल्ली की बात करें तो. दैट मीन्स कि ये डिफरेंट लोकेशंस पे एस्टैब्लिश होते हैं टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स. इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स आर सोल्ड. डिपार्टमेंटल स्टोर्स में वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, लेकिन इन मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स ओनली फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स आर सोल्ड. सिर्फ कुछ ही टाइप ऑफ गुड्स जो है वो सेल की जाती हैं. द डिपार्टमेंटल स्टोर्स डू नॉट फॉलो द पॉलिसी ऑफ यूनिफॉर्म प्राइजेस फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स. डिपार्टमेंटल स्टोर की जो पॉलिसी है वो यूनिफॉर्म प्राइजेस की नहीं होती है इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, लेकिन जो हमारे मल्टीपल शॉप्स होती है उनकी पॉलिसी यूनिफॉर्म प्राइजेस की ही होती है. मतलब प्राइस जो है वो सेम ही मिलेगा, कहीं पे कम ज्यादा नहीं मिलेगा आपको.
ओके, नेक्स्ट इज हाई क्लास रिच पीपल. डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर यूजुअली क्लास ऑफ कस्टमर्स जो होते हैं वो हाई क्लास रिच पीपल होते हैं. लेकिन जो आपके चेन स्टोर्स होते हैं यहाँ पर दे अट्रैक्ट कस्टमर्स फ्रॉम ऑल द इनकम ग्रुप्स. सारे इनकम ग्रुप्स को नीड को सेटिस्फाई करते हैं और कैटर करते हैं. द डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोवाइड मेनी सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स लाइक रेस्टोरेंट्स, ट्रेवल, इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, टेलीफोन बूथ, रेस्ट रूम. बहुत बड़े होते हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन्होंने रखे होते हैं, इसीलिए कस्टमर आएगा तो उसको टाइम भी लगेगा, उसको रेस्ट रूम भी चाहिए, उसको टेलीफोन बूथ भी चाहिए, पार्किंग की फैसिलिटी भी चाहिए. तो ये सारी फैसिलिटीज ये इजिली प्रोवाइड करते हैं. लेकिन जो आपके चेन स्टोर्स होते हैं दे प्रोवाइडेड वेरी लिमिटेड सर्विसेज. इट इंक्लूड्स लाइक गारंटी एंड रिपेयर इफ द सोल्ड आउट गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव. इस टाइप की सर्विस जरूर प्रोवाइड करेंगे लेकिन पार्किंग, टेलीफोन बूथ, रेस्ट रूम्स ये सब आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर. ओके, डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अडॉप्ट डिफरेंट डेकोरेशन एंड डिस्प्ले स्टाइल्स. अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अलग अलग टाइप की डेकोरेशन या डिस्प्ले स्टाइल्स हो सकते हैं लेकिन मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स में यूनिफॉर्म डेकोरेशन और डिस्प्ले होता है. नेक्स्ट इज हमारे जो होते हैं डील्स इन लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स, मोर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन. ये लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स में डील करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है यहाँ पर. बट जो आपके चेन स्टोर्स होते हैं डील्स इन लिमिटेड लाइन ऑफ गुड्स, तो फ्लेक्सिबिलिटी का कोई स्कोप ही नहीं होता है. अगर कस्टमर को शूज लेने हैं तभी वो बाटा के आउटलेट में जाएगा, वो बर्गर खाने के लिए बाटा के आउटलेट में नहीं जाएगा. ओके, अ डिपार्टमेंटल स्टोर अंडरटेक्स एडवर्टीजमेंट एट अ लोकल लेवल. जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो एडवर्टीजमेंट करता है लोकल लेवल पे, लेकिन जो आपके चेन स्टोर्स होते हैं इनकी जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो सेंट्रलाइज होती हैं, थ्रू आउट सेम रहेंगी. अंडरटेक एडवर्टीजमेंट इन अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया. रिस्क इज मोर एज इज सेंटर्ड एज वन स्टोर ओनली. डिपार्टमेंटल स्टोर की अगर हम बात करें तो एक या दो स्टोर होंगे आपको कहीं पे मिलेंगे एक सिटी में, तो रिस्क थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा होता है कि कोई कस्टमर दूर वाला है तो वो इतना इजीली आना प्रेफर नहीं करेगा. लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो आपके चेन स्टोर्स हैं ये एक ही सिटी में बहुत मिल जाएंगे आपको, तो जहां जिस एरिया का कस्टमर होगा वो उस एरिया में इजिली पहुंच सकता है उसके नियर बाय स्टोर में. डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज टू रेगुलर एंड रेपिटेड कस्टमर्स. को क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, इनके कार्ड्स बन जाते हैं प्रॉपर, उसमें कैश बैलेंस है, आप कभी भी जाओ उसमें ले सकते हो. अगर बैलेंस नहीं भी है तो भी आप अवेल कर सकते हो, ऐसी वाली फैसिलिटीज हैं. बट मल्टीपल शॉप्स जो है वो गुड्स जो डील देती हैं, मतलब जो सेल करती हैं, वो कैश और कैरी बेसिस पे ही होता है. इफ यू हैव कैश देन ओनली यू कैन बाय द गुड्स, और इफ यू कैन पे फॉर दैट पर्टिकुलर गुड देन ओनली यू विल बी एबल टू बाय द गुड्स, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द गुड्स. ओके, नेक्स्ट है हमारे मेल ऑर्डर हाउसेज. अब मेल ऑर्डर हाउसेज क्या होते हैं हमारे? मेल ऑर्डर हाउसेज आर द रिटेल आउटलेट्स दैट सेल देयर प्रोडक्ट्स थ्रू मेल, जो मेल के थ्रू अपने गुड्स को सेल करते हैं. दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स नो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर और द सेलर. बायर और सेलर के बीच में कोई पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. है हम पढ़ क्या रहे हैं? फिक्स शॉप लार्ज स्केल रिटेलर्स, उसी के पार्ट पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हमने डिपार्टमेंटल स्टोर पढ़ा, चेन स्टोर पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं मेल ऑर्डर हाउसेज. बट यहाँ पर हमारा कस्टमर के साथ कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है. प्रोसीजर क्या होता है? एडवर्टीजमेंट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. आपकी एडवर्टीजमेंट आएगी न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, टीवीज में, ये सारी एडवर्टीजमेंट आप देखोगे. आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लोगे लाइक प्राइस, फीचर्स, डिलीवरी, टर्म ऑफ पेमेंट एक्सेट्रा. ये नंबर वन स्टेप हो गया, वो एडवर्टाइज करेंगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे प्रोडक्ट के बारे में. तीन स्टेजेस हैं आपकी. सेकेंड स्टेप में ऑर्डर रिसीव होगा और वो प्रोसेस होगा. ऑन रिसीविंग द गुड्स आर केयरफुली वेरीफाइड विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकेशन आज बाय द कस्टमर. उसके बाद उनको भेजा जाता है वीपीपी, वैल्यूएबल पेएबल पोस्ट या थ्रू बैंक्स. ओके, देन द गुड्स आर सेंड टू द कस्टमर. उसके बाद पेमेंट रिसीव होती है वीपीपी से. अगर आप गुड्स सेंड कर रहे हो इन विच गुड्स आर सेंड थ्रू पोस्ट एंड आर डिलीवर्ड टू कस्टमर ओनली वेन द फुल पेमेंट इज मेड. वीपीपी में यही होता है कि जब तक कस्टमर पूरी पेमेंट नहीं कर देता है तब तक उसको वो गुड्स डिलीवर नहीं की जाती है. अगर आप मना कर देते हो कि जी मेरे पास कम है तो वो पोस्टमैन आपको डिलीवरी कर नहीं जाएगा. द गुड्स में भी सेंड थ्रू बैंक बट आर डिलीवर टू कस्टमर ओनली वेन ही पेज द फुल अमाउंट इन फॉर द गुड्स. इन दिस अरेंजमेंट देर इज नो रिस्क ऑफ बैड डेट्स का तो रिस्क है ही नहीं, बैंक के साथ तो डेफिनेटली नहीं है, वैसे भी नहीं है मेल ऑर्डर हाउसेज में. गुड्स डिलीवरी तभी होंगी जब आप उसकी फुल पेमेंट कर रहे हो. ओके, अब सूटेबिलिटी क्या है? आपके जो मेल ऑर्डर हाउसेज हैं दे आर सूटेबल फॉर गुड्स हैविंग द फॉलोइंग. स्टैंडर्डाइज और ग्रेडेड प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं और ग्रेडिंग की हुई है. कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड, मतलब इजिली आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो एट लो कॉस्ट.
और हैविंग कंटिन्यूस डिमांड जिनकी रहती है, लार्ज क्वांटिटी में थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल रहते हैं, इजीली एक्सप्लेन थ्रू डिस्क्रिप्शन और पिक्चर्स के थ्रू आप इजीली उसको अगर एक्सप्लेन कर सकते हो तभी, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आप मेल ऑर्डर हाउसेस के थ्रू सेंड कर सकते हो, लाइक योर बुक्स, फुटवेयर, स्मॉल अप्लायंसेज, सीड्स, टॉयलेट गुड्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये सारी चीजें आप इजीली विद सिंगल पिक्चर और लाइक डिफरेंट पिक्चर्स थ्रू डिफरेंट पोजेस आप इजीली सेंड कर सकते हो और कस्टमर को समझ में भी आ जाएगी और वो उसको ऑर्डर भी करेगा, परचेज भी करेगा। ओके, अब अनसूटेबिलिटी क्या है उन गुड्स में जहां पर वो पेरिशेबल नेचर की होती है, लाइक मिल्क, फ्रूट, एग्स, यहां पर आपका मेल ऑर्डर हाउसेस काम नहीं करते हैं। जब तक ऑर्डर प्रोसेस होगा तब तक तो वो चीज खराब ही हो जाएगी। गुड्स दैट आर बल्की एंड कैन नॉट बी इजिली हैंडल्ड, यहाँ पर भी मेल ऑर्डर हाउसेस काम नहीं करते हैं, लाइक योर रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, यहाँ पर भी हमारे मेल ऑर्डर हाउसेस काम नहीं करते हैं। ये थे हमारे फिक्स शॉप लार्ज रिटेलर्स, ठीक है। सो वी आर फिनिश्ड अप विद दिस, नाउ आई गेस वी आर लेफ्ट विद ओनली वन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, नो देर आर स्टिल टू मोर टॉपिक्स। सो विल बी स्टार्टिंग विद जीएसटी, जो कि हम ऑलरेडी पहले भी अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल विल हैव अ क्विक रिविजन टुमारो ऑफ द टॉपिक जीएसटी। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।